लीडर ऑफ अपोजिशन इन हिमाचल जयराम ठाकुर स्पीकिंग। वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके, ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया, उसमें तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है, और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की, और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये उनकी बौखलाहट है, और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारण से संकट में। इतने ही इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोगों के टच में हैं सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं इन टोटल जो आप लोगों के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना आप बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर मेजोरिटी है सर आपके पास, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। अगला कदम उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी सर। फ्लोर टेस्ट वही होता है, बजट पर अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो वही होता है। थैंक यू ब्रिजेश, थैंक यू। So that in fact was leader of opposition and leader of the BJP legislative party in Himachal Jairam Thakur after his meeting with Governor Shiv Pratap Shukla, making it clear that they have demanded a division of votes in the assembly today when the finance bill comes up for passage, because that in effect will also give a sense of the numbers with the Sukhu government. That in effect will be a floor test of the Sukhu government, because it will make it absolutely clear to everyone how many stand with Sukhu and how many don't. So he believes that that should be the way forward. Once again, just listen in to what Jairam Thakur said after his meeting with the governor. पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल मोदी जी को हमने दी है, और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है, उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में, और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं, उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है, और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहाँ डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है, और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष मोदी जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए, और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्के हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से, यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ।
और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए? और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। So that is what Jairam Thakur, former Chief Minister of the state of Himachal, has to say after his meeting with the governor, that the Sukho government in Himachal has lost its mandate to continue to govern and rule. Kamaljeet Sandhu is joining me with the phone line this morning. Kamaljeet, good morning to you. So the BJP, of course, now upping the ante against the Congress government in Himachal. How confident is the Congress in Himachal that they'll be able to save the government? Because now, of course, Jairam Thakur has sought a division of votes during the passage of the finance bill in the assembly because they believe that, in effect, it will show where the numbers stand. See, this is a procedure where appropriation bill, once it is produced before the assembly, and the point is that decides the budget for the entire state. Now, if that falls through, especially once the division is demanded and the numbers fall short, that definitely means that there is no support as far as the government is concerned. And that is why it seems that subsequently the planning is no confidence motion, because that will involve sequence of things. And what is very clear from the Rajya Sabha mandate itself is that the numbers are not stacked in favor of the Congress party. The BJP has not only managed to pull a surprise, they have actually managed to pull a rug under the feet of Sukhwinder Sukhu. So yes, there seems to be a division which has been exploited as far as BJP is concerned. They obviously want to kind of move very, very fast as far as the Himachal Pradesh government is concerned. Now, when Sukhwinder Sukhu was announced as the chief minister, when the assembly elections were done, even then there was a talk about how there seems to be a big division coming in terms of camps. There was the Pratibha camp, there was the Sukhwinder Sukhu camp. However, because they were deputy CM, they were managed to placate because obviously Pratibha was heading the Himachal Pradesh Congress and she was the chief. So meanwhile, it does seem that BJP has managed to exploit the sort of gaps in Congress party, and now that they know they have the numbers, because remember, as far as the cross voting is concerned and the three independent MLAs are concerned, now it does seem that even if it is 34-34 each, the speaker is obviously a neutral, so the numbers now going in favor of BJP, they would have 34 and 33 with Congress. Now there is obviously going to be an outreach as far as Congress party is concerned, but that may be too little too late, and seems the writing is on the wall that Sukhwinder Sukhu government may not last in the next couple of hours. What about the Congress's strategy? At the moment, of course, they've sent across D.K. Shivkumar and Bhupinder Hooda to the state to do and try and do some damage control. You think it's going to be unsuccessful, that the Congress won't be successful in bringing back the six MLAs who cross-voted in favour of the BJP yesterday? The Congress has spent its eight politicians and obviously in a sense to have some sort of a control and semblance. But as I mentioned to you, it may be too little too late, because whatever move has been done, and we've seen in elections, Sam Dam Dan Bhed, all sort of tactics being used by whether we're calling BJP or the opposition party. And this seems that as far as the timing is concerned, they may not have too much time. And now D.K. Shivkumar is taking an afternoon flight from Bangalore to Chandigarh, and by the time... Okay, Kamaljeet, I'm going to stop you there for a moment because Jairam Thakur is speaking to my colleague Manjeet Sehgal. Let's listen in. जानकारी दी जो पिछले दो दिन से घटित हुआ है। राज्यसभा का परिणाम आने के बाद जब कांग्रेस का कैंडिडेट हार गए, बहुमत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार कुछ भी करने के लिए, सरकार बचाने के लिए जो है वो हरकतें कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब बजट सत्र में कट मोशन पर चर्चा हो रही है, उसके बाद उस पर वोट होता है,
जब वोट वॉइस वोट के साथ साथ हमने डिवीजन मांगा उसमें, उसकी इजाजत नहीं दी, हाउस दो बार एडजॉर्न कर दिया। और आज हमारी आशंका यह है कि अध्यक्ष महोदय ये भी कर सकते हैं कि भाजपा के विधायकों को ही सस्पेंड कर सकते हैं। हमारी आशंका यह भी है जो कांग्रेस के विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट किया है उनका सस्पेंशन कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि उनको नोटिस दे दिए हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों में अब आवश्यक हो गया कि राज्यपाल महोदय जी उसमें दखल दें। आज 11 बजे सदन की कार्रवाई होगी, आज तो आप डिवीजन ऑफ वोट्स मांग करेंगे? देखिए हमने हमेशा इस बात के लिए, हम तीन दिन से इसी बात के लिए कह रहे हैं और आज भी हम इस बात को लेकर के आग्रह करें। तो अगर डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं दिया जाता सर तो अगला क्या कदम होगा? उसके बाद अगली जो टेस्ट की मांग की जाएगी, अगली बात उसके बाद करेंगे। उसके जयराम ठाकुर जो हमें बता रहे थे कि राज्यपाल से मिलकर उन्होंने दो बातें की है कि एक तो हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बहुमत खो दिया है, उनके पास बहुमत नहीं है, तो पहली मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी वो ये कि डिवीजन ऑफ वोट्स उनको अलाउ किया जाए, क्योंकि आज बजट पर चर्चा होनी है और बजट पास किया जाना है और बजट पास करने के लिए अतिरिक्त जो रिक्विजिट नंबर्स हैं अगर वो मिलते हैं तो साबित हो जाएगा कि कांग्रेस से बहुमत है या फिर नहीं। अगर कल की परिस्थिति को सामने रखें तो 34-34 वोट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिले थे और टाई हो गया था, उसके बाद पर्ची निकालने के बाद ही राज्यसभा के जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के उनके हक में वो उसे घोषित किया गया था। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बातें होने वाली वो ये है, जिसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी ने भी जताई है, वो ये कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को सस्पेंड कर सकती है ताकि बजट आसानी से पारित किया जा सके और डिवीजन ऑफ वोट से बचा जा सके। दूसरी आशंका ये जताई जा रही है कि जिन 6 कांग्रेस विधायकों ने कल भाजपा के पक्ष में वोट किया है उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नोटिस पहले से ही दे दिया गया है, 1 बजे उनको अपनी सफाई देने के लिए कहा गया है, उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक तरफ से अपना डैमेज कंट्रोल शुरू किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है, पहले डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग की जाएगी, वो अगर नहीं संभव होता है तो फिर फ्लोर टेस्ट की मांग होगी।